1994 संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 9 अगस्त को विश्व आदि दिवस घोषित किया गया है। इसी के तहत आज सर्व आदिवासी समाज ने विशाल रैली का आयोजन कर धरमजयगढ़ विकास खंड कापूस से बड़ी संख्या में आदिवासी इकट्ठा होकर महारैली के रूप में भारी संख्या में इकट्ठे होकर सोनपुर में अपनी शक्ति प्रदर्शन करेंगे, जिसमें भारी संख्या में आदिवासियों का जनसमूह इकट्ठा होगा, जिसमें सर्व आदिवासी समाज प्रमुख महेंद्र सिंह सिदार के नेतृत्व में रैली नैतिक राजनीतिक में दिग्गज नेताओं का गांव कापू क्षेत्र से भारी संख्या में आदिवासी समाज पखनाकोट किरिया गणपतपुर सस्कोबा बाकारुमा खमहार लिप्टी टोनहीनारा कुमारता सलका क्षेत्र से बड़ी संख्या में आदिवासी नेता बिहान के मितानिनों सहित महिलाएं बच्चे बूढ़े आदिवासी वेशभूषा परिधान अद्वितीय संस्कृतियों परंपराओं में सजा तीर कमान धनु धरे अपने संगठन शक्ति का प्रदर्शन करते नजर आए, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक जल जंगल जमीन और राजनीतिक विशेषताओं को बरकरार रखा है। आदिवासी भारत देश छत्तीसगढ़ के मूल निवासी वे आदिकाल से जंगलों में रहते हैं, जिनके वे उत्तराधिकारी अभ्यासी हैं, जिनमें वे रहते हैं जो प्रमुख समाजों से अलग हैं। रैली के रूप में इकट्ठा सर्व आदिवासी समाज कापू से सोनपुर महारैली के लिए रवाना, जिसमें मणिपुर घटना आदिवासी अत्याचार विरोध में सर्वाधिक आदिवासी समाज के लोग बैनर पोस्टर लेकर चल रहे हैं। इन बैनर पोस्ट पर आदिवासी के अत्याचारों के नारे लिखे हैं, इसके साथ ही जमकर नारे लगाए जा रहे हैं। रैली में अधिकांश लोगों के हाथों में बैनर पोस्टर हैं, जिनमें लिखा है एक तीर एक कमान सर्व आदिवासी एक समान जल जंगल जमीन बचाओ बहन बेटियों की रक्षा करो प्यासी धरती करे पुकार पेड़ लगाओ करो उद्धार। पत्थलगांव से मनोरंजन दास महंत की रिपोर्ट। मैं आपसे जानना चाहूंगा आज ये जो आप रैली निकाल रहे हैं आज विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सर कि आदिवासियों का सम्मान और उनके संस्कृति का सम्मान और उनके जो है आजीविका के मंथन। आप कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं आदिवासियों का शोषण हो रहा है? जी सर है? अभी जो आरक्षण के मुद्दे पे राज्यपाल के पास में जो ज्ञापन गया था और राज्यपाल ने उसे अनुमति नहीं दी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अनुमति देना था, महिला लोग इतना बढ़ करके जब आगे बढ़ रहे हैं आदिवासी महिला लोग, तो अपना हक मांग रहे हैं, तो वो हक उनको मिलना चाहिए था। आप ये चाहते हैं कि आदिवासियों का एक अलग संगठन हो और राजनीतिक संगठन भी अलग हो जो चुनाव लड़के सामने आए? आप बिल्कुल बोल दो, आप क्या चाहती हैं? हम लोग भी महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मतलब महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है उससे संतुष्ट हैं क्या? हाँ। आप बोलिए आप क्या चाहती हैं?